सो बच्चों, आज अपन चैप्टर एक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कूलम तथा 3×10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो बच्चों, हमें दिया है, तो बेटा हमें क्या क्या दे रखा है, दिया है तो बेटा हमें दो आवेशों के बीच की सेपरेशन दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको मीटर में बदलेंगे तो 30×10⁻²⁪ मीटर, ठीक है बच्चों। और दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, तो हमें आवेश दे रखा है Q1 = 2×10⁻⁷ कूलम, और Q2 हमें दे रखा है बेटा कितना, 3×10⁻⁷ कूलम, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। साथ में आपको ये भी दे रखा है बेटा वायु में, ठीक है। तो वायु में बेटा, तो हमारे पास जो एप्सिलॉन होता है रिलेटिव वाला, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, तो बेटा एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा, 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। वायु के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो कितना होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है वायु के केस में। यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है बेटा, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, है ना, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो हमें F निकालना है। तो बेटा हम जानते हैं F = क्या होता है, K Q1 Q2/R², जहाँ प्यारे विद्यार्थियों K का जो मान होता है वो होता है 1/4 πε। अब निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम बोल सकते हैं बेटा क्या, 1/4 πε₀εr। बट यहाँ बेटा एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितनी है, वायु के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1/4 πε₀ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। तो अब बोलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 8.85×10⁻¹² न्यूटन। बेटा मात्रक क्या होता है इसका, इसका मात्रक बेटा होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास के एप्सिलॉन लेके आएंगे ना बेटा 1/ε₀, तो ये दो चला जाएगा और एफ नीचे जाएगा, तो क्या होगा बेटा हमारे पास Q²/N·m². अभी गेट माय पॉइंट बच्चों। अब इसको हम वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो के का जो मान आएगा वो बेटा कितना आएगा, 9×10⁻⁹, और ये क्या जाएगा के ऊपर, है ना, इसको हटा दो बेटा, ठीक है। तो कितना जाएगा, N·m² / C², ठीक है बेटा। तो हम ये सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो F = K का मान कितना रखेंगे, 9×10⁹, Q1 का मान कितना है, 2×10⁻², Q2 का मान कितना है, 3×10⁻², डिवाइडेड बाय बेटा R के लोग कितने रखे हमें, 30×10⁻², इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 30 को दो बार लिखेंगे, और 10⁻², 10⁻², कितना जाएगा, 10⁻⁴। बेटा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा 3×3 = 9, तो ये कट जाएगा, उसके बाद ऊपर जो है 3×6×10⁻⁹, और ये -7 -7 10⁻¹४, तो बेटा ये अपने पास 10⁻⁵ ऊपर बचेगा। फिर नीचे कितना है बेटा, 10⁻⁴, और 1 0 0 10⁻², तो 10⁻²। बेटा ये ऊपर लेके जाएंगे हम इसको तो 6×10⁻³ N·m is the right answer। आप बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।